जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 3 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक न्यूज डिटेल में कवर की जाती है। प्लस यूपीपीसीएस का नंबर वन पेड बैच 0 से लेकर सिलेक्शन तक की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। इन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप और अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं, इनको आप जरूर ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम का पेज है उसको फॉलो करें। यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो आज कौन से टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बहुत ध्यान सुनना। नेचुरल रबर स्टोरेज क्राइसिस, एक संकट हम लोग को देखने को मिल रहा है प्राकृतिक रबर का। नेक्स्ट, एडिबल ऑयल्स यानी कि कुछ खाद्य तेल होते हैं जो हम लोग तेल खाने में उपयोग करते हैं ना, तो उन कुछ स्ट्रेटजीज की उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ये एडिबल ऑयल्स भी इंपोर्ट कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एयर क्वालिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एक इंडेक्स आया है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये नीति आयोग का इंडेक्स है और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्ट्रेटेजी है टेरर गैंगस्टर नेक्सस के अगेंस्ट। जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि टेररिस्ट और गैंगस्टर जो होते हैं ये मिल जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो इनके अगेंस्ट जो इनकी स्ट्रेटेजी है ना, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है। नेक्स्ट, व्हीकल स्क्रैपेज डिस्काउंट, इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, पेन और पेपर लेकर बैठिए और जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा उसके नोट्स आपको जो है वो बनाने हैं। पहली चीज, नेचुरल रबर स्टोरेज क्राइसिस। इंडिया आज की डेट में जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है। किस चीज की? स्टोरेज की, नेचुरल रबर के स्टोरेज की। मतलब इंडिया के अंदर जितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना उत्पादन कर रहे हैं, उतना सफिशियंट नहीं है। बताया जा रहा है कि 5.5 लाख टन की कमी है और हम लोकल प्रोडक्शन बूस्ट कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन टू जो है हमारा कंजम्पशन जो है वो सप्लाई से मतलब ज्यादा है, कहीं ना कहीं सप्लाई कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है नेचुरल रबर के मामले में। अब ये नेचुरल रबर है क्या, पहले मैं आपको इसको बताता हूं। ये देखिए, नेचुरल रबर जो है वो किन किन चीजों में यूज में लिया जाता है, तो गाड़ियों में, गाड़ियों में भैया टायर्स होते हैं ना, टायर, ट्यूब, गैस्केट्स, राइट, तो इन सब चीजों में इसमें उपयोग में लिया जा सकता है। हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य सेवाओं में हम लोग को देखने को मिलता है कि रबर लेटेक्स का उपयोग जो है वो किया जाता है। मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, सर्जिकल ग्लव्स में ये रबर होते हैं, ग्लव्स पहनते हैं तो वो रबर वाले ग्लव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। ऐसे ही फूड और बेवरेज में भी जो है वो किया जाता है, राइट, इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि कई बार जो फूड वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको हम पैकेट के अंदर, रबर के पैकेट के अंदर जो है वो डिस्पोज करते हैं या डिलीवर करते हैं, राइट, तो वो सब चीजें भी होती हैं। फ्लोरिंग में रबर का उपयोग जो है वो किया जाता है, आपने देखा होगा काफी सारे जिम्स वगैरह के अंदर, एक बड़े बड़े से आप जाते होगे तो रबर के जो है बहुत मोटे मोटे से जो है वो शीट्स लगी रहती हैं, है कि नहीं। रूम को साउंड प्रूफ बनाने के लिए भी रबर का उपयोग जो है वो किया जाता है। क्लोथिंग में कपड़े हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, एथलीट के कपड़े जो है वो रबर के जो है बनते हैं इलास्टिसिटी के लिए, आपने देखा होगा जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह होती है वो कई केसेस पर रबर की हम लोग को देखने को मिलती है। गार्डनिंग में नेचुरल रबर का जो है वो उपयोग जो है वो किया जाता है, गार्डनिंग के टूल्स में, जैसे आप देखते होगे ना कि काफी, अब जैसे पाइप से हम पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा कि एक प्रेशर पाइप्स होते हैं, राइट, उसमें उसका जो हत्ता होता है, हैंडल होता है, वो रबर का होता है, यस। बायोमेडिकल में हम लोग को देखने को मिलता है कि पॉलीमर, बायो कंपैटिबल पॉलीमर्स होते हैं, वो रबर के जो है बनाए गए होते हैं। तो ये सब काफी सारी चीजें होती है जो हम लोग को देखने को मिलती है कि जिसका उपयोग जो है वो आप कर सकते हो रबर के मामले में। तो ये सब हमें नेचुरल रबर देखने को मिलती है। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि नेचुरल रबर क्या है और प्रॉब्लम क्या चल रही है, कि हमारी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई जो है वो कम है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लोकल प्रोडक्शन की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हम कर सके, बट देन टू हमारी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। तो ऑब्वियस ही बात है कि आप करें क्या, और बढ़ाओ भाई, डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करना है तो और प्रोडक्शन करो, और उत्पादन करो, है कि नहीं, कम ऑन, से यस और नो, बस इतना सा टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं है। तो डिमांड सप्लाई का गैप हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये सब आंकड़े आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लगभग 70% नेचुरल रबर जो है वो कंज्यूम किया जाता है टायर इंडस्ट्री के द्वारा, क्योंकि सबसे ज्यादा रबर टायर में लगता है, और 30% नॉन टायर इंडस्ट्री के द्वारा। फिर इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, हम इंपोर्ट कराते हैं कहाँ से, ये चीज थोड़ी ध्यान में रखना, आपको पता होना चाहिए कि भाई हम लोग वियतनाम, इंडोनेशिया से नेचुरल रबर जो है वो इंपोर्ट करवाते हैं।
और हमारी कंट्री जो है वो 5,28,677 टन नेचुरल रबर को इंपोर्ट कर चुकी है 2022-2023 में, और हाई कस्टम ड्यूटीज होने के बावजूद भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। नेचुरल रबर के अंदर 25% की कस्टम ड्यूटीज इंपोर्ट ड्यूटी लगती है या 30 रुपए पर केजी जो भी हाई हो। सोचो आप, ये चीज लिख लो, आप ये फैक्ट लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि 30 रुपए एक किलो या 25% जितना भी टोटल माल आ रहा है उसका, और जो भी चीज हाई होगी उतनी कस्टम ड्यूटीज है वो देनी पड़ेगी। लेटेक्स रबर हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्लव्स बनाने के लिए, बलून बनाने के लिए, है ना, इसमें 75% की ड्यूटी है वो लगती है, ये चीज भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे अगर हम फिनिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराते हैं, जैसे कि हमने मैट्रेस हो गई, बलून्स हो गए, सर्जिकल ग्लव्स हो गए, तो इसमें यानी कि जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, जो पूरा बना बनाया प्रोडक्ट होता है, उसमें मात्र 10% की ही ड्यूटी लगती है, बट अगर रॉ मटेरियल नेचुरल रबर को हमने बुलवा लिया तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो चाइना आज की डेट में बहुत तेजी से स्टॉक बना रही है नेचुरल रबर का, क्योंकि इसका उपयोग हर चीज में किया जाता है, हेल्थ केयर में स्पेशली देखो आप। और जब से इशू होना शुरू हुआ है बांग्लादेश के अंदर, तो हम लोग को जो बांग्लादेशी एक सोर्स है नेचुरल रबर का, तो क्या हुआ है कि इसका सप्लाई जो है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर आपको पता है कि गवर्नमेंट का इशू चल रहा है ना, वहां पर अभी एक इंटरिम गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिली है, राइट। और बांग्लादेश जो है वहां से नेचुरल रबर एक्सपोर्ट होता है बहुत ज्यादा मात्रा में दूसरी कंट्रीज में। अब क्या हुआ, बांग्लादेश में गड़बड़ होने के कारण वहां का सप्लाई रुक गया है, और सप्लाई रुक गया है तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं डिमांड जो है फुलफिल नहीं हो पा रही है जो फुलफिल की जाती थी इंपोर्ट के थ्रू, यस। तो ये भी एक इशू हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, मानसून का इंपैक्ट। हैवी मानसून जो है ये बेसिकली टैपिंग एक्टिविटीज को जो है वो रिड्यूस कर देता है, और ये सप्लाई को जो है वो कम कर देता है नेचुरल रबर के। और अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न, आप क्लाइमेट चेंज बोल सकते हो कि क्लाइमेट चेंज के कारण भी नेचुरल जो रबर है उसके सप्लाई में दिक्कत आ रही है। तो अब नेचुरल रबर के बारे में थोड़े से फैक्ट ध्यान में रखो, तो ये एक पॉलीमर है जो कि रबर का जो पेड़ होता है उसके लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? रबर के पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होने वाला एक पॉलीमर हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जो पेड़ होता है रबर का, ये ज्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो उगता है। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये लिख लेना, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और चौथी लार्जेस्ट कंज्यूमर है नेचुरल रबर की पूरे दुनिया भर में। केरला जो है वो सबसे ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर नेचुरल रबर प्रोड्यूस करता है, उसके बाद त्रिपुरा। ये दोनों चीज लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है नेचुरल रबर के मामले में, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कहां पर नेचुरल रबर जो है वो बन रही है। सिंथेटिक रबर के बारे में बात करें तो सिंथेटिक रबर जो है वो एक मैनमेड होती है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग को देखने को मिलती है सिंथेटिक रबर। और इंडिया जो है वो पांचवी लार्जेस्ट कंज्यूमर है नेचुरल और सिंथेटिक रबर को कंबाइन कर दें तो उसकी। नेक्स्ट, सरकार की कुछ पॉलिसीज हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि नेशनल रबर पॉलिसी 2019 लिख लेना, ये राष्ट्रीय रबर नीति 2019। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, वो बेसिकली इंप्लीमेंट करती है नेचुरल रबर पॉलिसी को, और ऑब्जेक्टिव यही कि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रबर जो है उसका प्रोडक्शन हो, उसका उत्पादन हो, सपोर्ट किया जाए ग्रोअर्स को कि ये जो पेड़ रबर के पेड़ जो लोग लगाते हैं उनको सपोर्ट किया जाए, रबर के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको बढ़ाना है कि ज्यादा से ज्यादा रबर के प्रोडक्ट हमारी कंट्री के अंदर तैयार हो, इसके अंदर नए प्लांट लगाए जाए, दोबारा से रबर के प्लांट जो है वो लगाए जाए, लेबर की शॉर्टेज जो है वो फुलफिल की जाए कि रबर इंडस्ट्री के अंदर लेबर की जो कमी है वो बढ़ाई जाए, रिसर्च और डेवलपमेंट रबर के सेक्टर में बढ़ाया जाए। ये सब पूरे ऑब्जेक्टिव इस नेशनल रबर पॉलिसी 2019 के हैं। फिर रबर बोर्ड भी लिख लो आप। रबर बोर्ड जो है वो एक स्टैचूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है, यानी कि कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी है, जो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। और सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर, SIDNRS, ये बेसिकली हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मेन फोकस इसका मतलब यही है कि ये सब स्कीम्स लेकर आती है रबर बोर्ड, जिसके थ्रू टारगेट किया जाता है कि रबर का प्रोडक्शन उत्पादन जो है वो रबर का ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। इवन ये बोर्ड का ये भी काम होता है कि रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसको देखना, उस पर नजर रखना, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
R&D में, रिसर्च और डेवलपमेंट में, रबर के सेक्टर में और रबर कल्टीवेशन में, ठीक है, रबर के उत्पादन में, खेती में। अब क्या स्टेप्स लिया जाए जिससे कि हम रबर के प्रोडक्शन को बढ़ा दें? सबसे पहली चीज तो भाई देखो, फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसा होगा तो लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज होती है जिससे लोग मोटिवेट होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो लोग रबर उगाते हैं, रबर की खेती करते हैं, उनको हेल्प करना, सब्सिडीज प्रोवाइड कराना, नए प्लांट लगाने के लिए, पुराने रबर के जो पेड़ है उसको रीप्लांट करने के लिए, स्किल्स डेवलप करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आया जाए, राइट, जिससे कि और बेहतर तकनीक के माध्यम से जो है वो रबर का उत्पादन हो सके। रिसर्च में इन्वेस्टमेंट हम लोग करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा, इंश्योर करें कि सस्टेनेबल तरीके से सतत विकास के थ्रू इसका प्रोडक्शन हो। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो है उसको प्रमोट करें कि सब लोग साथ में मिलकर, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करें रबर के प्लांटेशन में, प्रोसेसिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंश्योर किया जाए कि एक सप्लाई चेन जो है वो स्थिर रहे, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक नेचुरल रबर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, और फटाक से लाइक का बटन जरूर हिट कर दो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब करो, राइट, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको कैसा लग रहा है जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। मुझे आपका फीडबैक रेगुलर बेसिस पे चाहिए कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नेक्स्ट, एडिबल ऑयल मतलब खाने वाला तेल। अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग ऑयल पाम होता है, एक ऑयल पाम हम लोग सबसे ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट कराते हैं इंडोनेशिया से। तो इंडिया जो है, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पर कैपिटा एडिबल ऑयल का कंजम्पशन, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो मांग है एडिबल ऑयल की, खाद तेल की, वो बढ़ रही है, राइट, और हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा मात्रा में एडिबल ऑयल्स का इंपोर्ट करते हैं। 2022-2023 में इंडिया ने 16.5 मिलियन टन एडिबल ऑयल्स को इंपोर्ट कराया, और मात्र 40-45% ही हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाता है। मतलब ये मान के चलो कि 50% से ज्यादा हम डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्री के ऊपर एडिबल ऑयल के मामले में। तो इस पर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है जिसका टाइटल है पाथवेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता। नाम से ही समझ में आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हमें एडिबल ऑयल की ग्रोथ पर फोकस करना है, स्ट्रेटजीज बनानी है, हमें आत्मनिर्भर बनना है एडिबल ऑयल्स के मामले में। तो ये पूरा एक रोड मैप जो है वो तैयार करते हुए बताया नीति आयोग ने। ये लिख लेना भैया, ये रिपोर्ट कभी कभी आ सकता है, ये रिपोर्ट किसकी है। अब पर कैपिटा कंजम्पशन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का कंजम्पशन 19.7 किलो प्रति साल के हिसाब से बढ़ गया है हमारी कंट्री के अंदर। मैंने आपको बताया कि मात्र हम 40-45% ही अपनी डिमांड जो है वो एडिबल ऑयल की जो है फुलफिल कर पा रहे हैं, बाकी पूरी तरह से हम लोग 50% से ज्यादा डिपेंडेंट जो है दूसरी कंट्रीज के ऊपर हैं। इंडिया के अंदर एडिबल ऑयल का इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया 1.47 मेट्रिक टन, 1986-87 में था, देखो 1.47 था और ये 16.5 मेट्रिक टन हो गया, 15 गुना ज्यादा 2022-2023 में, और 57% इंपोर्ट की डिपेंडेंसी रेशियो है, 50% से ऊपर, ये बस ध्यान में रखो आप। ये 9 प्रकार के मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, 9 प्रमुख तिलहन फसलें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ग्राउंडनट, रेप सीड मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, सेफ्लावर, नाइजर सीड, कैस्टर ऑयल और लिनसीड। सोयाबीन 34% टोटल ऑयल सीड का, ऑयल सीड प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन देती है। सोयाबीन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल होता है हार्ट के लिए अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल आपने देखा होगा सनफ्लावर ऑयल, ये जो लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। फिर सोयाबीन के बाद रेप सीड, मस्टर्ड ऑयल और फिर ग्राउंडनट ऑयल, इन तीनों ऑयल का सबसे ज्यादा वेटेज है, लिख सकते हो आप, क्योंकि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई कंट्री के अंदर ये सब समस्याएं हैं। आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, आने वाले समय में अधिकारी बनोगे तो आपको पूरा नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट, कौन से राज्य के अंदर, लिख लो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहां पर तिलहन जो है, ऑयल सीड जो है उसका प्रोडक्शन होता है। अब इस सेक्टर के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम है,
76% 76% जो खेती होती है ऑयल सीड की वो क्या है, रेन फेड है, वर्षा पर आधारित है। इरिगेशन की प्रॉब्लम यानी कि सिंचाई की दिक्कत है। और ये जहां पर खेती होती है, जिन जगह पर जहां पर सिंचाई की प्रॉब्लम है, इरिगेशन की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, वो ये वही क्षेत्र है जहां पर 80% प्रोडक्शन होता है, 80% उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता है। दूसरा, डिमांड सप्लाई का गैप। हम लोग 50% ज्यादा तो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे यहाँ पर प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है लो इंपोर्ट ड्यूटीज। लोग जो है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स एडिबल ऑयल के आसानी से बुलवा रहे हैं क्योंकि उसमें ड्यूटीज कम है, सस्ती हो रही है, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि यार देसी माल लेने की जगह विदेशी माल ले लो, क्या मतलब यहां पर खर्चा करें, डायरेक्ट इंपोर्ट करा के बेचते हैं। तो ये पॉलिसी यहां पर गड़बड़ हो गई जिससे कि किसान को मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा काम करने के लिए क्योंकि उनका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा। जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी लोग हैं, वो सोचते हैं कि यार यहां से उठाने की जगह जो महंगा मिलेगा उससे अच्छा इंपोर्ट करा लो, वो सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि व्यापारी को तो भाई व्यापार करना है, प्रॉफिट चाहिए उसको, उसको इन सब चीजों से मतलब थोड़ा है। अब फ्यूचर में क्या किया जाए, तो देखो फ्यूचर में डिमांड बढ़नी है, ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ती जाएगी। 14.1 मेट्रिक टन डिमांड सप्लाई का गैप हो जाएगा 2030 में, 5.9 मेट्रिक टन 2047 में। मतलब ये हमने वो किया कि हम धीरे धीरे करके कम करेंगे, तो सजेशन ये है 0.13 मेट्रिक टन 2030 तक, 9.35 मेट्रिक टन 2047 तक। ये किसके ऊपर बेस्ड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ICMR NIN का रिकमेंडेशन इनटेक लेवल है। अब वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अब इसमें लाइफस्टाइल और इनकम चेंजेस की बात करें तो प्रेडिक्ट किया गया कि उसमें हम लोग को 22.3 मेट्रिक टन का गैप सिनेरियो वन में देखने को मिल सकता है और सिनेरियो टू 2047 तक 29.5 मेट्रिक टन का गैप जो है वो देखने को मिल सकता है। अब ये सब फोरकास्टिंग अप्रोच है, वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि हमें ऑयल सीड्स तिलहन के प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाना है। नेक्स्ट, बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो के अंडर ऑयल सीड का प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशन ये है कि 43 मेट्रिक टन जो है वो हो जाएगा 2030 तक और 55 मेट्रिक टन होगा 2047 तक। और बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल करने के लिए यह भी कहा गया है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 5.2% करना पड़ेगा और आज की रेट में जो 3% है उससे बढ़ाकर 5.2% जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आगे की चर्चा करें, स्ट्रेटजी जो है वो क्या लगाई जाए। तो अब देखो पहली चीज तो ये है, अब समस्या कहां पर आ रही है, पानी की। अभी हमने बोला ना कि 80% प्रोडक्शन उन क्षेत्र से होता है जहां पर पानी की समस्या है, जहां पर जो ये तिलहन की खेती होती है, ऑयल सीड क्रॉप्स जो जहां पर होते हैं कल्टीवेशन, वो पूरी तरह से वर्षा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज लाई जाए। यस, जो प्रॉब्लम है वही इसका सोल्यूशन होता है बॉस। राइस फैलो लैंड का उपयोग करो, आप वेस्ट लैंड का उपयोग करो ऑयल सीड और ऑयल पाम के कल्टीवेशन के लिए, बस। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की बात की गई है और वर्टिकल एक्सपेंशन क्या है, आइए समझते हैं। पहली चीज तो ये बोला भाई एरिया बढ़ा दो, किसका, खेती का, ऑयल सीड्स की, स्पेशली राइस फेलो लैंड्स का उपयोग कर सकते हो, वेस्ट लैंड का, आर्द्र भूमि का, बंजर भूमि का उपयोग कर सकते हो और आप पाम ऑयल को वहां पर उगा सकते हो। पाम ऑयल को लेकर हमारी पॉलिसी भी, ऑयल पाम बोलते हैं बेसिकली इसको। वर्टिकल एक्सपेंशन की बात करें तो वर्टिकल में आप जो है वो उपज बढ़ाने पर काम करो, फार्मर्स को जो है वो ट्रेन करो कि जिससे कि वो बेटर तरीके से जो है वो प्रैक्टिस के माध्यम से, नई नई टेक्निक के माध्यम से ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कर सके। हाई क्वालिटी की सीड्स का उपयोग करो, एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से किस पर काम करो, उपज पर। तो दो चीज पर काम करनी है, एक तो एरिया बढ़ाना है कल्टीवेशन का, खेती का, और दूसरा प्रोडक्शन को बढ़ाने पर भी काम करना है साइमल्टेनियसली। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सपेंशन करने हैं, क्लियर। क्वाड्रेंट अप्रोच लेकर आओ, इंप्लीमेंट करो स्टेट वाइज स्ट्रेटेजी, अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाओ एरिया को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सीड यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज करो, बीज उपयोग को अनुकूलित करना है, इंप्रूव करना है कि प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज जो है वो और बेहतर बने, कि जल्दी जल्दी तेल का प्रोडक्शन हो सके 15 से 20% तक,
और फिर धीरे धीरे करके बेटर मैनेजमेंट के साथ 45% तक हम मैनेजमेंट कर सकें। जितनी भी मिल वगैरह हैं उनको मॉडर्नाइज करो, इन्वेस्ट करो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि जिससे कि वेस्टेज जो है वो बहुत रिड्यूस हो, यानी कि फसल जो है वो वेस्ट ना जाए, क्रॉप जो है वो वेस्ट ना जाए, उसको तुरंत जो है वो कर दो, प्रोसेस कर दो उसका, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो आपको बस थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बाकी उतना कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, एयर क्वालिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में यहां पर बात हो रही है। समझ तो रहे ना, वायु गुणवत्ता और जीवन प्रत्याशा। तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 ये किसके द्वारा रिलीज की गई है, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एपिक के द्वारा रिलीज की गई है, लिख लेना आप। इसमें यह बताया गया है कि बहुत बुरी तरह से एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर इफेक्ट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लोगों की लाइफ जो है वो कम हो रही है, लोग जितने साल तक जीते हैं एवरेज उससे कम जी रहे हैं बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर। अब दिल्ली आप जानते ही हैं मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है हमारी कंट्री के अंदर, बहुत पॉल्यूशन, बहुत प्रदूषण है वहां पर। अगर वहां पर हवा साफ हो जाए ना, तो ये बताया जा रहा है 18.7 मिलियन, मतलब कि आप मान के चलो कि लगभग 1,80,00,000-90,00,000 लोग जो है, या लगभग 2 करोड़ लोग जो है उनका जीवन बेहतर हो सकता है। और रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि आज की रेट में सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमें एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, रोकने की, खत्म करने की। तो रिपोर्ट क्या बोल रही है वाली, रिपोर्ट ये बोल रही है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के पॉल्यूशन को अगर हम रिड्यूस कर देते हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन का पालन करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो जो एवरेज ग्लोबल लाइफ स्पैन जो है उसमें 1.9 ईयर्स बढ़ जाएगा, यानी कि लोगों की 2 साल की जिंदगी और बढ़ जाएगी। एवरेज तौर पर जितना लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना, कितनी, 69 ईयर्स आई थिंक, है ना, तो ये बढ़ सकती है 2 साल और। दिल्ली के अंदर ये स्टैंडर्ड्स अगर हमने अचीव कर लिया तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की 7.8 ईयर्स बढ़ जाएगी, और अगर हमने अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लिया तो 4.3 ईयर्स, मतलब कि एक एवरेज तौर पर जो व्यक्ति जितना जीता है उसकी जिंदगी में 8 साल बढ़ जाएंगे अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन फॉलो कर ली, और या फिर हमारे इंडिया की गाइडलाइन फॉलो कर ली तो 4-4.5 साल ज्यादा जो है वो लोग जिएंगे। अब देखो एयर पॉल्यूशन जो है वो ऑब्वियस ही बात है, आपको बता दें जो लोग स्मोकिंग करते हैं, हैवी ड्रिंकिंग करते हैं और दूसरे मेजर हेल्थ के रिस्क हैं जैसे कि HIV, एड्स, कुपोषण की जो परेशानी है, तो ये सब तो दिक्कत है ही, इससे इंसान तो मरेगा ही मरेगा। आपको बता दें वायु प्रदूषण भी बिल्कुल उसका इफेक्ट भी सेम ऐसा ही है। जैसे ये कहा भी जाता है कि आप अगर दिल्ली में सांस ले रहे हो तो इसके बाद आप सांस ले रहे हो, आप सिगरेट पीने के बराबर अपने लंग्स को नुकसान पहुंचा रहे हो। जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता और वो दिल्ली में रह रहा है तो बराबर ही है जो व्यक्ति सिगरेट पी रहा है कहीं और, सोचिए आप इतनी स्थिति खराब है। डेडली एयर क्रॉनिक डिजीज से शराब सिगरेट जो हानिकारक हानि करती है जो हमारे शरीर में, वायु प्रदूषण भी बराबर उसी की हानि कर रही है, तो कितना डेंजरस है सोचिए आप। ये डेंजरस वाली चीज ध्यान में रखिएगा। अनइवन पॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रदूषण का असमान वितरण। अब आप जानते हैं यार जो क्षेत्र जहां पर प्रदूषण नहीं है, क्लीन क्षेत्र है जहां पर एक व्यक्ति रह रहा है, और एक व्यक्ति उस क्षेत्र में रह रहा है जहां पर पॉल्यूशन है, तो उसको वो कितनी हवा, पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ कर रहा है, 6 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा पॉल्यूटेड एयर, जो प्रदूषित हवा जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है उसके कंपैरिजन में जो क्लीन क्षेत्र में रह रहे हैं। और बताया जा रहा है इसके कारण एवरेज तौर पर उसकी लाइफ से 2.5 से 3 साल जो है वो कम हो जाएंगे। 2.7 ईयर्स लगा, 2.5 से 3 साल उसकी लाइफ से कम हो जाएंगे एवरेज तौर पर वो व्यक्ति अगर पॉल्यूटेड एरिया में रह रहा है। तो कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, कुछ यूरोप के अंदर इन्होंने अच्छा काम किया है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, बट साउथ एशिया जो है वो दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन है, सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र जो है वो दक्षिण एशिया है। दिल्ली के अंदर पार्टिकुलेट मैटर, PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर, 2.5 का लेवल 2022 में हम लोग को देखने को मिला, कि हालांकि थोड़ा इंप्रूव हुआ बट फिर भी अभी भी काफी ज्यादा हाई है।
हमने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए हैं, बट फिर भी उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इंडिया के अंदर 40% से ज्यादा पॉपुलेशन, हमारी आबादी का 40% से ज्यादा, यानी कि हर 10 में से 4 व्यक्ति इंडिया के अंदर, ये मान लो आप, ऐसा वो ऐसी सांस ले रहे हैं जो हानिकारक है, प्रदूषित क्षेत्र में रह रहे हैं जहां पर वायु प्रदूषण, अब ये कह सकते हो। दिल्ली का एयर क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट देखा गया, 17% की गिरावट हम लोग को देखने को मिली पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के लेवल में 2021 के मुकाबले 2022 में। अच्छा इंप्रूवमेंट है ये, 17% का अच्छा इंप्रूवमेंट है। और ऐसे ही किया गया तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि इस तरीके से रिडक्शन होता रहेगा तो लोगों की लाइफ जो है वो 1.5 से 2 साल जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, पूरे इंडिया के अंदर पार्टिकुलेट पॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज हुआ है, गिरा है, यानी कहीं ना कहीं हमने जो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो स्कीम्स लेकर आए, जो पॉलिसीज लेकर आए, जो इनिशिएटिव्स चलाई, तो उसने कहीं ना कहीं हेल्प तो किया है, तो इंडिया के अंदर इंप्रूवमेंट आया है। और ऐसे ही अगर करते रहेंगे हम लोग तो लोगों की लाइफ एक्सटेंड होगी, क्योंकि इस आर्टिकल का मेन ऑब्जेक्टिव यह था ये समझाना कि वायु प्रदूषण के कारण लोगों की जो लाइफ होती है वो घटती है। एयर पॉल्यूशन जो है इंडियन रेसिडेंट की लाइफ को 3.5 से 4 साल जो है वो कम कर देता है। कुपोषण की दिक्कत, जो लोग टोबैको लेते हैं उनकी लाइफ 1.5 से 2 साल कम होगी। सोचो आप, ध्यान से समझना, आपको समझ में आ रहा है कि सिगरेट और शराब इतनी हानिकारक नहीं है जितना वायु प्रदूषण हानिकारक है। वायु प्रदूषण के कारण लोगों की 3 से 4 साल की जिंदगी जो है वो कम हो जाती है, और सिगरेट और कुपोषण के कारण 1.5 से 2 साल की। इसके अलावा आपको बता दें यूएसए, चाइना, यूरोप, इन क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम किया गया। इन्होंने 67%, यूनाइटेड स्टेट्स ने 1970 के कंपैरिजन में 67.2% पॉल्यूशन में गिरावट करी, और इसके कारण वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन जो है वो 1.5 साल बढ़ गया। 4% का डिक्लाइन पार्टिकुलेट मैटर लेवल 2.5 में हम लोग को देखने को मिला 2022 में साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, बट फिर भी जो साउथ एशिया जो है, दक्षिण एशिया जो है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र पूरे दुनिया भर में नजर आता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एयर पॉल्यूशन जो है वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हम लोग को सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में भी देखने को मिलता है, जहां पर पॉल्यूशन लेवल जो है अभी भी बहुत ज्यादा है और अभी भी घटा नहीं है। और इसके कारण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं उनके एवरेज जो जीवन है उसके 1.7 ईयर्स, यानी कि 1.5 से 2 साल बोल सकते हो, 1.5 से 2 साल उनके घटे हुए हैं। तो क्या सोल्यूशन जो है वो लाया जाए? तो आप पॉल्यूशन को खत्म करो, है ना, आप पॉल्यूशन प्रिवेंशन अप्रोचेस लेकर आओ, जैसे कि आप लेस टॉक्सिक मटेरियल का उपयोग करो, राइट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को इंप्रूव करो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से धुआं निकल रहा है, सोर्स जहां से है प्रदूषण का, उसको बंद करने पर काम करो। क्लीन एयर की टेक्नोलॉजीज लेकर आओ, जैसे कि वेट स्क्रबर, ये लिख लेना, क्लीन एयर की टेक्नोलॉजी, वेट स्क्रबर, फैब्रिक फिल्टर्स, ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आप इंट्रोड्यूस करो पुरानी व्हीकल्स को स्क्रैप करो, जैसे कि हमारी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी ऑलरेडी है। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज जो है वो प्रमोट करो, राइट, हाई पॉल्यूशन डेज में, राइट, जिससे कि लोग जो है वो प्रदूषित क्षेत्र से जो है वो बचे। इंडिया जो है उसने इंप्लीमेंट जो है वो करे हैं काफी सारे मेजर्स, जैसे कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च पोर्टल, सफर पोर्टल, ये लिखेंगे आप। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया लेकर आती है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली के लिए और दूसरे क्षेत्रों के लिए जो है वो लाया जाता है, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये था प्रदूषण से रिलेटेड एक टॉपिक, जिससे समझ में आ रहा है हम लोग को कि किस प्रकार से वायु प्रदूषण के कारण लोगों की जो एवरेज लाइफ है उसमें कमी आती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि NIA, जो कि टेररिस्ट के मामलों को जो है वो डील करती है, यानी कि टेररिज्म से रिलेटेड जितने जुड़े मामले होते हैं उससे डील करती है, अभी इसकी पहली मीटिंग हम लोग को देखने को मिली पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के पुलिस ऑफिशियल्स के साथ। और किस चीज को लेकर मीटिंग थी? टेरर गैंगस्टर के नेक्सस को लेकर, जो गैंगस्टर है और टेररिस्ट जो है, तो उनके उस गिरोह को लेकर कि ये लोग जो है वो मिलकर गठबंधन बनाकर जो है वो वेरियस एंटी सोशल एक्टिविटीज जो है वो कर रहे हैं।
और ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में आपका काम होगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो इस टॉपिक को ध्यान सुनिएगा। एक इंसिडेंट होता है ऑर्गेनाइज क्राइम का, जिसको हम लोग बोलते हैं संगठित अपराध, जिसमें टेरर ग्रुप्स, पर्टिकुलरली प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स के ग्रुप जिनके कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है, वो इन्वॉल्व थे। और ये इनिशिएटिव जो है वो उस समय आया जब यूनियन होम मिनिस्टर के डायरेक्शन आए कि एस्टैब्लिश करो एक मॉडल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर का, कि चाहे कुछ भी हो जाएगा टेररिज्म को सहना नहीं है। और एनआईए के अंडर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी, इसीलिए हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये मीटिंग जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी की और स्टेट पुलिस की जो है वो देखने को मिली टेररिज्म से जुड़े मामले को जो है वो खत्म करने के लिए। अब इस मीटिंग में किन किन चीजों के बारे में चर्चा हुई, तो पहले तो ये बोला गया कि भैया जो भी एक्सटॉर्शन कॉल आता है, वसूली के कॉल्स जो आते हैं ना गैंगस्टर्स के द्वारा, उनको तुरंत ट्रेस करो, स्पेशली जिनका लिंक जो है वो टेरर सिंडिकेट्स के साथ है, जैसे कि प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स, पाकिस्तान बेस्ड नेटवर्क। तो ऐसे हमारे यहाँ के गैंगस्टर जिनका कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान वगैरह के साथ है, तो उनको और उनकी तरफ से जो भी एक्सटॉर्शन कॉल आता है, वसूली के जो धमकी भरे कॉल्स आते हैं, उनको तुरंत ट्रेस करो। दिल्ली पुलिस का एक प्रेजेंटेशन सामने आया, इन्हें एरिया वाइज मैप जो है वो तैयार किया कि कहाँ कहाँ पे एक्सटॉर्शन कॉल्स किस किस जगह पर आते हैं, और उन्होंने साइबर स्पेस का यूज किया है गैंगस्टर्स ने और टेररिस्ट ने अरेस्ट को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये उस अब देखो वीपीएन की सर्विस होती है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें ट्रेसिंग जो है वो डिफिकल्ट होती है बट इम्पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट, साइबर क्राइम और ड्रग स्मगलिंग की बात करें, डिस्कशन इस पर भी था कि गैंगस्टर आज की रेट में साइबर स्पेस का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं कानून से बचने के लिए। लिंक जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम और ड्रग स्मगलिंग के बीच में, उसकी जांच हुई और हाईलाइट किया गया कि ऑब्वियसली बात है ये ड्रग्स से जो पैसा आता है, ये पैसा जो है वो पूरा टेररिज्म की एक्टिविटी में जो है वो लगता है, आपको पता होगा। पंजाब पुलिस ने डिस्कस किया कि गैंगस्टर के कनेक्शन प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ है, जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं, और उनका इन्वॉल्वमेंट ड्रग स्मगलिंग में हम लोग को देखने को मिलता है। सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात हुई, बोला कि हम एक प्लान तैयार करेंगे, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे, जो सभी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सभी के लिए एक समान हो, जिसे कोऑर्डिनेशन रहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इस प्रकार के क्रिमिनल्स गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए मिलकर ही काम करें। फोकस यही किया गया कि हमें कोलैबोरेटिव एक्शन प्लान जो है वो तैयार करने हैं। इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एक यूनिफॉर्म एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करो, तो बहुत बढ़िया चीज हमें देखने को मिल रही है। अभी टेरर गैंगस्टर नेक्सस जो है वो क्या है, तो ये नेक्सस के अंदर हम लोग को कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, ये मिलकर जो है वो काम करते हैं गैंगस्टर और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और ये अलायंस जो है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। अब गैंगस्टर को चाहिए पैसा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए टेरर, और या फिर ड्रग्स उनके थ्रू आता है और स्मगल होता है, उनको उनके पास पहुंचता है पैसा जिससे कि वेपन्स वगैरह खरीदते हैं। इस नेक्सस का जो है वो इंटरनेशनल डायमेंशन भी देखने को मिलता है, इनके फॉरेन एंटिटीज के साथ जो है वो कनेक्शंस होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए एक हार्बर का काम करते हैं, हार्बर मतलब सेफ हाउस। टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो इन गैंगस्टर यानी कि कंट्री के अंदर ही मौजूद जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं उनके थ्रू जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू करवाई जाती है। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान के अंदर हम लोग को पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करता है, हवाला मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग्स मनी के थ्रू इनके पास फंडिंग आती है, जो मैं भी आपको समझा रहा था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोग को इंसर्जेंट ग्रुप देखने को मिलते हैं, क्रिमिनल एंटिटीज हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि ऐसे इन्होंने ग्रुप्स बना के रखे हो, गैंग बना के रखी हुई है, जो एंटी सोशल एक्टिविटीज तो करते ही करते हैं और हमारी कंट्री के अंदर टेररिज्म एक्टिविटीज को भी बढ़ावा दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे के अंदर तो आप जानते ही हैं, मुंबई बॉम्बिंग का केस 1993 का जैसे इवेंट, 2008 का मुंबई अटैक का इवेंट, इसमें भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का लिंक देखने को मिला है, क्योंकि बिना अंदर के आदमी के बाहर वाला व्यक्ति जो है वो इंडिया के अंदर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, अंदर के आदमियों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि गैंगस्टर होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, जो कुछ चंद पैसों के लिए जो है वो देश को बेच देते हैं। आम जनता, आम बेकसूर लोग की जान जो है वो चली जाती है इन लोग की हरकतों के कारण। मॉइस ग्रुप काफी सारे सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया में हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व है, वसूली फोन कर करके लोगों को धमका के पैसे मांगे जाते हैं, अभी हनी सिंह को धमकाया गया था। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। पंजाब स्टेट की हिस्ट्री जो है वो टेररिज्म को लेकर, पर्टिकुलरली खालिस्तान मूवमेंट के दौरान, इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू बहुत पैसा आया यहाँ पर, यानी कि जितनी भी इनके जो ये ग्रुप्स वगैरह होते हैं इनको पैसा मिलता है ड्रग्स के माध्यम से, कि ड्रग्स इलीगल तरीके से बेचो, पैसा वहां से आएगा और उस पैसे का इस्तेमाल ये वेपन्स परचेज करने में करेंगे। हरियाणा दिल्ली में भी इस प्रकार के गैंगस्टर बढ़ते जा रहे हैं, हर एक अब गाने भी आजकल ऐसे ऐसे बन रहे हैं।
क्या बोले आप, जो भी प्रमोट करते हैं इस प्रकार की एंटी सोशल एक्टिविटीज को, ठीक है, मजे के लिए काफी अच्छा है, अच्छा लगता है सुनने में, बट क्या होता है फिर वो माइंडसेट वैसा बनने लगता है, क्रिमिनल माइंडसेट। अब कुछ चैलेंजेस हैं इन टेरर गैंगस्टर नेक्सस को रोकने के लिए, जैसे हमारे पास कानून है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है हमारे पास, सब कुछ अवेलेबल है, बट क्या हो रहा है इंटर स्टेट। अब एक स्टेट का कानून और दूसरे, अब देखो पुलिस जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, हर एक स्टेट की डिफरेंट पुलिस होती है। अगर एक कोई क्रिमिनल एक स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेट में चले जाता है तो उसको पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है, ये एक इशू है। इनका नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन इन गैंगस्टर्स लोगों का वो काफी बड़ा है, ठीक है, हमारा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन उससे ही बड़ा है, नो डाउट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये भी मेंशन करोगे आप, क्योंकि आप सपोर्टिव वे में बात करोगे, बट कोऑर्डिनेशन की कमी है पुलिस में, स्पेशली इंटर स्टेट की जब बात करें तो कोऑर्डिनेशन ही करना है। इसके लिए तो एनआईए और स्टेट पुलिस के बीच में जो है वो हमें देखने को रहा है, मीटिंग चल रही है। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का ये लोग उपयोग कर रहे हैं, पबजी वगैरह के गेम में एक साथ मिलते हैं और बातचीत जो होती है वो किसी प्लानिंग से रिलेटेड होती है, तो ऐसी भी चीज है। कहाँ कहाँ तक ट्रैक करोगे आप, बढ़िया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी करती है, आप लोग करोगे आगे चल के। इनको लोकल सपोर्ट मिलता है, स्लीपर सेल्स होते हैं, इन ग्रुप्स को रहे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, डरते हैं, आम आदमी डरता है, पुलिस पे कई बार लोग कंप्लेन नहीं करते, इन लोग की डरते ना लोग। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 को यूनिफॉर्मली पूरी कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए, इन सब गैंग्स जो होती है क्रिमिनल गैंग्स वगैरह इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, बेल की कंडीशन जो है वो टफ कर दी जाए, क्योंकि देखो इंसान अपराध करके तुरंत बेल में बाहर निकल जाता है और अपने आप को चौड़ा समझता है कि दे आ गया मैं बाहर, क्योंकि जेल से निकलने के बाद व्यक्ति जो होता है ना वो और एंटी सोशल हो जाता है, ये चीज ध्यान में रखना। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस तैयार करना है इन टेरर गैंगस्टर नेक्सस के नेटवर्क का, एडवांस डिजिटल फॉरेंसिक और ब्लॉकचेन कैपेबिलिटीज टेक्नोलॉजी की मदद से, कि इनको हम लोग ट्रैक कर सकें, इनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज ट्रैक कर सकें। जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया जाए, जैसे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इंटरपोल, तो इनके साथ मिलकर ऐसे टेरर गैंगस्टर नेक्सस को हम रोकें। स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए स्पेशली इसी काम के लिए, उनको पूरी तरह से हर तरीके का सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाए, कि जिससे कि उनके पास इतनी पावर हो कि इस प्रकार के गैंगस्टर्स को जो है वो तोड़ दे। तो ये टॉपिक था काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, इंडियन गवर्नमेंट की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च हुई थी 2021 में, जिनको नहीं पता लिख लो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि जो अनफिट व्हीकल है, जो पुरानी व्हीकल है, वो इंडियन रोड से हट जाए। देखो अनफिट व्हीकल पुरानी व्हीकल का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था पॉल्यूशन को रिड्यूस करना। क्या होता है, इन गाड़ियों के इंजन से जो बहुत सारा पॉल्यूटेंट रिलीज होता है, जो पुरानी गाड़ियां हैं BS3 BS4 तो अभी ठीक है, BS3 की बात करें, उससे पुरानी बात करें, तो ये इनके जो इंजन है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, वो पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो रिलीज करते हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव था उस चीज को रोकना। रिसेंटली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो गाड़ी बनाने वाली जो कंपनी ने एग्री किया, ये डिस्काउंट ऑफर करेंगे नई व्हीकल की परचेज पे, जब बायर जो है वो अपनी पुरानी स्क्रैपेज सर्टिफिकेट जो है वो प्रेजेंट करता है अपने पुराने व्हीकल का, तो उसको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। ये डिस्काउंट जो है ये बेसिकली पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का पार्ट है, रोड सेफ्टी को एनहेंस करने का पार्ट है, क्योंकि पुरानी गाड़ियों में उतनी सेफ्टी नहीं है जितनी आज की गाड़ियों में, जैसे सीट बेल्ट रिमाइंडर पुरानी गाड़ियों में नहीं होता था, आज की रेट में आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो पीप 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 बचता रहेगा, बट फिर भी लोग चला के अपने अशाड़े बनते हैं लोग, उनने अलग से क्लिप खरीद के रखी हुई है कि वो पीप पीप ना बजे हम क्लिप लगा दे। अरे भैया वो बात वही है ना कि पुलिस को देखकर हेलमेट पहन लिया, अरे भाई हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए, जान बचाने के लिए, ना कि फाइन करने के लिए। अब आम जनता समझती है कि पुलिस को देख के पहन लिया फिर आगे चल के उतार लिया, ये कौन सी बात हुई भाई। ये चीजें हैं। अब आपको जो चीज समझनी है वो है वॉलेंट्री व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकरण कार्यक्रम। ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को हम लोग जो है वो VVMP कहते हैं, सिंपल सी चीज, वॉलेंट्री व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। मतलब आपकी जो पुरानी गाड़ी है, जो अनफिट गाड़ी है, उसको आपको इंडियन रोड से हटाना है और उसको कबाड़ में देना है, सिंपल सी बात। पॉलिसी के अंदर जो भी गाड़ी पुरानी है
20 साल या उससे पुरानी, और जो कमर्शियल व्हीकल जो हम लोग को देखने को मिलती है पीली नंबर प्लेट वाली 15 साल या उससे पुरानी गाड़ी, उनका री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा बैंड। ये चीज लिख लेना। इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को यही देखने को मिल रहा है कि स्क्रैपेज इंडस्ट्री जो हमें देखने को मिलती है, स्क्रैपेज इंडस्ट्री, उसको जो है फॉर्मलाइज करना, औपचारिक बनाना, परिमार्जन उद्योग को, व्हीकल के पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, प्रदूषण को रिड्यूस करना, डिमांड करना, बढ़ाना नई गाड़ियों की जो कि ज्यादा बेटर सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है और जिसमें पॉल्यूशन काफी कम रिलीज होता है। यस, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने एग्री किया है कि वो डिस्काउंट देंगे 1.5 से 3% का नई गाड़ियों पर अगर सामने वाले व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी का स्क्रैपेज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करता है। तो पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जो पीली टैक्सी वाली जो गाड़ी हम लोग को देखने को मिलती है, उसमें 1.5% का डिस्काउंट एक्स शोरूम प्राइस पर दिया जाएगा या 20,000 रुपए जो भी इनमें से कम होगा वो डिस्काउंट मिलेगा। और वो भी बताया जा रहा है 1 साल के पीरियड के लिए चीज उन्होंने शुरू करी है। और जो पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, अच्छा ये व्हाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ी है, पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी में 3% का डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया जाएगा। जो गाड़ी 3.5 टन ग्रॉस व्हीकल का वेट है और 1.5% का ऑफर किया जाएगा 3.5 टन के अंडर वाली व्हीकल का, यानी कि बड़ी गाड़ियों पे 3%, छोटी गाड़ी पे कमर्शियल व्हीकल में 1.5%, यानी कि बस ट्रक हो गया तो उसमें 3% बोल रहा है। और ये डिस्काउंट जो है वो पहले एक्सचेंज ऑफर को जो है वो रिप्लेस करेगा जो कार डीलर प्रोवाइड करा रहे थे स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत। तो अब ये नया हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार से मोटिवेट किया जा रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो स्क्रैपेज करवा के नई गाड़ी जो है वो ले, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। और इंसेंटिव जो है इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है VVMP, यानी कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत जो इंसेंटिव देखने को मिलता है उसमें 4 से 6% नई व्हीकल का एक्स शोरूम प्राइस जो है वो स्क्रैप वैल्यू को हम लोग को नजर आता है और 5% डिस्काउंट जो है वो उसमें देखने को होता है। ये सब रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो उसमें वेव कर दी जाती है, यानी कि आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी पड़ती। मतलब कुल मिलाकर सरकार ये बोल रही है कि जो स्क्रैपेज करवाएगा अपनी गाड़ियों का तो उसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा सरकार प्रोवाइड करेगी। इवन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑफर कर रही है 25% तक की नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर डिस्काउंट और 15% तक का डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर। तो ये चीज है। अब इसमें हमने फिटनेस टेस्ट की फीस भी जो है वो बढ़ा दी है, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल जो है पुरानी गाड़ियों का उसकी फीस जो है वो हमने बढ़ा दी है, राइट। इसके अंदर 10 से 15% ग्रीन सेस भी जो है वो लागू किया गया है। अब गाड़ियों का वर्गीकरण किया गया है, ये चीज ध्यान में रखना, 4 चीजें हैं, प्राइवेट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, सरकारी गाड़ियां और विंटेज गाड़ी। विंटेज गाड़ी पुरानी वाली गाड़ी, तो जो विंटेज गाड़ी होती है उसके लिए पॉलिसी है ही नहीं भैया, स्क्रैपेज पॉलिसी जो है उसमें अप्लाई नहीं होगी। और क्योंकि ये टिपिकली वेल मेंटेन्ड होती है और बहुत इनका कम उपयोग किया जाता है, सिर्फ ये दिखावटी तौर पर हम लोग को ये गाड़ियां देखने को मिलती है। वो पुरानी समय की गाड़ी नहीं होती जो लोग अपने पास रखते हैं, शौक होता है जिन लोगों को। अब गवर्नमेंट व्हीकल की बात करें तो सरकारी गाड़ियां चलती जो आपको मिलेंगी भैया, अगर गाड़ी जो है वो 15 साल पुरानी है सरकारी गाड़ी तो तुरंत उसको कबाड़ में दे दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा उसको। जो कमर्शियल व्हीकल है, जो पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी हम लोग को देखने को मिलती है, तो पहले 8 सालों के लिए उसे हर 2 साल में फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद से हर साल उसको फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा जब तक गाड़ी 15 साल तक की नहीं हो जाती और 15 साल के बाद उसका स्क्रैपेज करना है। और प्राइवेट कार जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, जिसके अंदर फिटनेस टेस्ट जो होगा 15 सालों के बाद करवाना है और अगर फिटनेस टेस्ट पास हो जाएगा तो 5 साल की और मोहलत दे दी जाएगी, यानी कि 20 सालों के लिए सड़कों पर देखने को मिलेंगी। मतलब कुल मिलाकर कह दिया है कि कोई भी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी 15 साल से ज्यादा नहीं होगी, 20 साल से ज्यादा नहीं, टोटल 15+5। और जो पीली नंबर प्लेट वाली कमर्शियल व्हीकल है, कमर्शियल गाड़ी है, वो 15 साल के बाद स्क्रैप करना है, सरकारी गाड़ियों को भी 15 साल के बाद स्क्रैप करना है, विंटेज व्हीकल के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। अब इससे फायदा बहुत सारे होंगे, जैसे कि पॉल्यूशन लेवल जो है वो रिड्यूस होगा 15 से 20% बताया जा रहा है, स्क्रैपेज इंडस्ट्री फॉर्मलाइज होगी, राइट, औपचारीकरण इसमें हम लोग को स्क्रैपेज उद्योग में देखने को मिलेगा, नई व्हीकल की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, रोड सेफ्टी और फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलेगी क्योंकि नई गाड़ियां जो है वो रोड सेफ्टी के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलती है। यस, अब कुछ गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिल रही है पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेसल के बारे में। अब ये पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेसल क्या है, यानी कि पब्लिक की शिकायत का निवारण करना, तो इसमें हम देख लेते हैं।
तो मैक्सिमम टाइम जो है कि किसी भी यानी कि पब्लिक की शिकायत जो है उसको रिजोल्व करने का मैक्सिमम टाइम जो है वो 21 दिन जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि 21 दिन के अंदर पब्लिक की शिकायत जो है वो रिजोल्व की जाए। मिनिस्ट्री जो है जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में शिकायत आती है उन्हें एक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जिससे कि टाइम पर जो है पूरी शिकायत रिजोल्व की जा सके। और कुछ गाइडलाइन सामने आई जिसमें बोल रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो करो, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डैशबोर्ड GRAI ग्रेवियस रिट्रेसल को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि लोक शिकायत को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। लोकसभा जो है उसकी 15 सिटिंग हम लोग को देखने को मिली जिसका प्रोडक्टिव रेट जो है 136% नजर आया। राज्यसभा जो है वो 90 घंटे 35 मिनट के लिए चली काम करी जिसका प्रोडक्टिविटी रेट 118% नजर आया। मतलब इसमें कुल मिलाकर ये न्यूज जो है वो क्या मैं आपको समझाता हूँ कि कितने समय तक लोकसभा राज्यसभा चल रही है और उससे कितना फायदा मिल रहा है। तो अच्छा फायदा मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी रेट जो है वो अच्छा है। 27 घंटे से भी ज्यादा लोकसभा के अंदर बजट डिस्कशन जो है वो किया गया था। तो ये अभी वैसे इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आएंगे नहीं, एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, SC ST एक्ट 1989 का, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा 150 वर्ड में इसका आंसर लिखने की। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक लीजिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।